यूट्यूब के ऊपर आपका एक्सेल इज फन, एक्सट्रीम एक्सेल, चंदू और दुनिया भर के और भी हैं डैशबोर्ड्स का जो है, उनके उनके जो है ना ये सब्सक्राइब कर लीजिए उनके यूजर्स को, और उनकी वीडियोस जो होती है ना वीडियो सेक्शन में, तो सब्सक्राइब करेंगे तो नई वीडियो आपको दिखती रहेगी और बाकी पुरानी भी देख सकते हैं क्योंकि 2-3 हज़ार इन यूजर्स के पास हैं अच्छी अच्छी दूसरी चीज जैसे 2013 के नए फीचर देखने हैं, एक्सेल 2014 है ना, 13 है ना, तो न्यू फीचर्स एक्सेल, ठीक है जी, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि 2013 में क्या चीज़ें नई आई हैं, ठीक है। एक है 45 मिनट की वीडियो मैंने देखी थी, उसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जैसे न्यू फीचर्स है एक्सेल 2013, ठीक है। सबसे बेस्ट है एक 45 मिनट की, इस पे हाँ ये है एक्सेल इज फन की तरफ से 1 घंटे 25 मिनट की, एक्सेल 2013 में जो जो नया है वो इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। ये बहुत मतलब इन सबको मैं कह रहा था कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चार्ट्स वगैरह के लिए, जैसे डैशबोर्ड में बियर मग का है, गैंट चार्ट है, बियर मग का कैसे बनाएंगे वो है, गैंट चार्ट है, तो इन सब के ट्यूटोरियल से इनको भी देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। धीरे धीरे जैसे आपके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, हालांकि ये चीज आप एक आध बार बना लेंगे तो क्या है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, पर वर्किंग में जब आएगा, जब आपको जरूरत होगी, तो बेटर है कि उनका क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू करें, मतलब अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी तो आप वो चीज नहीं सीखेंगे, एक बार दिक्कत आ गई आपने कर दिया तो बार बार करते रहेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस की फिर भूल गए, पर जो दिक्कत के टाइम जो आप करेंगे ना वो नहीं भूल सकते फिर आप, ठीक है जी। तो इसी तरह से प्रॉब्लम अपने आप को जानबूझ के फंसाइए किसी चीज में, धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने जो हमारा रह गया था, मेरे ख्याल से क्या क्या कर रहे थे हम लास्ट, फॉर्मूला हमने शायद कर लिया था, फाइंडर सेलेक्टर, ये नेम मैनेजर तक कर लिया था। हाँ नेम मैनेजर तक हमने कर लिया था, डिफाइन नेम वगैरह हम कर रहे थे, ठीक है जी। ट्रेस डिपेंडेंट ट्रेस प्रेसिडेंट भी मैं बता चुका था कि कैसे हम अपना लिंक करेंगे, शो फॉर्मूला था, वॉच विंडो भी बता दी थी मैंने, कैलकुलेशन ऑप्शन भी बता दिए थे। फिर चलते हैं डेटा पे, डेटा पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बाद में बारे में बताया था शायद, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में बताया था। यही इसको रिफ्रेश करते हैं हम, जैसे कोई कनेक्शन बनाते हैं ना तो रिफ्रेश, देन सॉर्ट फिल्टर, एडवांस फिल्टर पता है आपको, एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर आपका जो होता है, एक डेटा उठा लेता हूँ कहीं से, जो आपके पहले से डिजाइन डेटा है ना वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आ जाते हैं, कि आपने एक बार भी कनेक्शन बनाया होगा ना तो आ जाते हैं, तो टेबल लिए मान लीजिए इसको पहले मैं वैसे कर देता हूँ, अनलिंक कर देता हूँ और कन्वर्ट एज रेंज कर देता हूँ, नॉर्मल उसमें ले आया, ठीक है जी। अब एडवांस फिल्टर क्या होता है कि जैसे फिल्टर में क्या होता है, आपको बार बार क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ता है क्या क्या चीजें, तो जैसे काउंट इफ आपका रिजल्ट दिखाता है ना, तो उसी तरह एडवांस फिल्टर भी है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी हेडिंग्स को यहाँ ले लेता हूँ इस जगह, ठीक है जी, एंड इसमें क्राइटेरिया क्या दे देता हूँ, सिटी ये सेल्स के तो छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ना मैं क्राइटेरिया लिख सकता हूँ, जैसे डेट भी नहीं चाहिए मुझे,
ठीक है जी, क्राइटेरिया लिख डाले मैंने। तो पहले सिंपल क्राइटेरिया से देखते हैं, एडवांस फिल्टर इसमें है कि आप बाहर के क्राइटेरिया से यहीं पे फिल्टर कर सकते हैं। पहले तो लिस्ट रेंज दे देता हूँ, ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है जी। देन क्राइटेरिया रेंज बोल रहा है। अब क्राइटेरिया जो हम सिलेक्ट कर करके लगाते थे ना, वो यहाँ से भी लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। फिल्टर इन द लिस्ट ओके करूँगा तो यहीं के यहीं फिल्टर हो जाएगा वो डेटा क्राइटेरिया के हिसाब से, संदीप फरीदाबाद, ठीक है जी। जो मैंने यहाँ लिखा था उसी हिसाब से फिल्टर हो गया। दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिल्टर्ड डेटा आपको कहीं कॉपी करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका, कॉपी टू अनदर रेंज। क्राइटेरिया ले लिया यहाँ एंड कॉपी टू मैंने कहा यहाँ कर दो, ठीक है जी। ओके कर दिया, सारा डेटा वो वाला यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसने, ठीक है जी, उसी क्राइटेरिया से। अब देखते हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा देता हूँ इसमें। अब क्या करता है, एडवांस फिल्टर क्राइटेरिया रेंज को बढ़ा दिया मैंने, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू में मैंने यहाँ रख दिया, ओके। तो अब क्या हुआ, संदीप का जो था खाली फरीदाबाद वाला आया, प्रदीप का सारा आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से जो आप वहां से सिलेक्ट कर करके करते हैं ना, यहाँ एक इस तरह से लिस्ट भी बना के कर सकते हैं, बशर्ते उसमें हेडिंग होनी चाहिए। अब जैसे एक और, अगर सर हमें, हाँ जी, जैसे कि संदीप का है, संदीप का हमें फिर से 50% अपो चाहिए, क्या चाहिए 50%, तो उसके लिए जैसे कि संदीप की है और हमें सेल चाहिए इसमें से 50% से ज्यादा, मतलब कि 50 से ऊपर चाहिए, अच्छा ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, ये रहा आपका क्राइटेरिया, ठीक है जी। फरीदाबाद में हटा देता हूँ, ठीक है जी। ये क्राइटेरिया में जहाँ ब्लैंक होगा उसका मतलब है ऑल, तो सारा ही लेगा अपने आप ही। ये डबल कंडीशन भी चलेगा, हाँ जितनी कंडीशन उतनी आप लिस्ट बना सकते हैं पूरी यहाँ तक, ठीक है जी। दो ऑप्शन है, फिल्टर यहीं के यहीं फिल्टर चाहते हैं या कॉपी करके डाटा कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ अगर देखेंगे तो सेल जो संदीप वाली मिलेगी आपको ग्रेटर देन 50 मिलेगी, ठीक है जी। यह हालांकि बहुत पावरफुल वे है करने का, इसमें कॉपी पेस्टिंग भी साथ में ही हो जाता है, ठीक है जी। देन एक ऑप्शन और है इसमें कि जैसे सपोज मुझे क्या करना होता है, कई बार यूनिक डेटा निकालना होता है, तो यूनिक डेटा भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एडवांस फिल्टर में गया, मुझे चाहिए कि इसमें नाम यूनिक करके निकाल दे, तो यहाँ से यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करूँगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया मैं नहीं चूज करूँगा कोई भी, क्योंकि खाली यूनिक रिकॉर्ड ही चाहिए मुझे। क्राइटेरिया चाहे तो दे सकते हैं, पर वो क्राइटेरिया आपके यूनिक यहीं से हो जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, तो ये खाली नाम ही नाम आ गए अपने कॉमन, ठीक है जी। इस तरह के लिए इस पर यूनिक रिकॉर्ड ओनली यूज कर सकते हैं। हालांकि इस चीज को करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है अपना, हम करते जैसे इसमें से मुझे चाहिए तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया मैंने, यूनिक नेम चाहिए, देन मैं क्या करूँगा, रिमूव डुप्लीकेट,
माय डेटा हैज हेडर्स, ओके ये आ गया सेम थी। ठीक है जी, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है इसमें। देन आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम है, टेक्स्ट टू कॉलम आपको पता है, मैंने करके दिखाया पहले ऐसे टेक्स्ट टू कॉलम। डेट वाले ऑप्शन में मैंने बताया होगा टेक्स्ट टू कॉलम का यूज। हाँ जी, टेक्स्ट टू कॉलम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे मैंने कई जगह डेटा सीएसवी फाइल में भेज दिया या किसी में कर दिया, तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने मान लीजिए सीएसवी फाइल है तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम यूज करूंगा। अच्छा, पहले मैं मेरे को वो डेटा लेके आना पड़ेगा, तो कनेक्शन बना लूँ एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर। हाँ जी, जैसे कि हम इसमें तीन एक नाम दे दे, जैसे कि संदीप कुमार सिंह, अब हमें इनको अलग अलग करना है, जैसे कि राइट लेफ्ट एंड मिडिल का अलग अलग करना, तो इसके द्वारा कर सकते हैं ना हम टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा? हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, पर वो मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है जी, तो अभी मैंने क्या किया ना, एक मैंने सीएसवी फाइल उठाई है, नोटपैड की एक फाइल थी जिसमें मैंने एक लिस्ट ऐड कराई थी और सेपरेटेड बाय कॉमा कर दिया था। ठीक है जी, तो हमारे पास डेलिमिटेड ऑप्शन होता है, फिक्स्ड विड्थ में क्या होता है, विड्थ फिक्स्ड कर सकते हैं कि 50 की विड्थ लेके सारे अलग अलग कर दे, बट डेलिमिटेड में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप टैब के बेस पे अलग करना चाहते हैं। तो सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो कॉमा के बेस पे अलग करना है, तो हर एक कैरेक्टर कॉमा के बेस पे अलग अलग हो गया। नेक्स्ट, और हाँ इसमें से अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, तो मैं इस पे लिख के ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, तो स्किप कॉलम हो जाएगा, ये नहीं आएगा, इसके अलावा बाकी आ जाएंगे। ठीक है जी, जरूरी नहीं कि सारे ही लाने, मर्जी है आपकी, कहाँ लाना चाहते हैं, नई वर्कशीट पे या इसी पे, मैं इसी पे कर। तो ये मेरे पास आ गया, जो मैंने स्किप किया था वो स्किप हो गया, बाकी मेरे पास डेटा एज इट इज आ गया, जैसा कि मैं चाहता था, जिसमें मैंने डेटा भरा होगा उसमें मेरा डेटा आ जाएगा। ठीक है जी, एग्जैक्ट उसके नीचे एग्जैक्ट डेटा। ठीक है जी, ये आरपी वगैरह से वैल्यू जो है इसी मेथड से निकालते हैं सर। हाँ जी, जैसे कि एक्सेप्ट पे फाइल बनी हुई है, हाँ, और हमें वर्ड पे इंपोर्ट करनी है, तो कर सकते हैं हम वर्ड पे? एक तरीका होता है मेल मर्ज, आपको पता है मेल मर्ज यूज किया कभी आपने वर्ड पे? हाँ, मेल मर्ज मैं काफी यूज करता हूँ सर। हाँ, तो एक्चुअली स्टिकर बनाने के लिए जो बनाते हैं ना। हाँ हाँ, तो मैं जिसका यूज कर, मैं मेल मर्ज का यूज करता था चेक बनाने के लिए अपने, हमारे पास कोई प्रिंटिंग सिस्टम तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, चेक का एक फॉर्मेट सेट कर दिया उसमें वर्ड में, और एक्सेल में डेटा बना के चेक का फटाक से इंपोर्ट मारता था, प्रिंट ले लेता था, तो लेवल प्रिंटिंग जैसा ही हो गया, तो मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम भी चालू हो गया उससे, मुझे जरूरत ही नहीं कुछ परचेज करने की। ठीक है जी, वो आपके उसके ऊपर है। ठीक है जी, मेल मर्ज आपका लेटर वगैरह के लिए यूज, मेल मर्ज से तो आपको पता ही होगा, विनय जी आपको पता है मेल मर्ज? बताया था टेक्स्ट टू कॉलम से। कई बार क्या होता है ना, हमारी डेट होती है गड़बड़, इसमें इंडियन फॉर्मेट में डल गई 20/3/2014 ऐसे डाल दी मैंने, यहाँ पे 6/4/2014 ऐसे डाल दी। ठीक है जी, और इसमें मैंने क्या कर दिया, कई बार गड़बड़ कर दी कि अब इनमें इन सारी डेटों में जो सही डेट है उनमें क्या पंगा है कि वो तो सही है, वो मंथ पहले डेट बाद में, पर इनमें क्या है, डेट पहले मंथ बाद में है ना, इंडियन वाला सिस्टम, चाहे इधर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 4/6/14 कोई ऐसे भी लिखेगा,
कई बार ये सही फॉर्मेट में ले लेगा, ये अब इसमें क्या है, फॉर्मेट तो सही है पर डेट गलत है, ये चाहिए नहीं मुझे, है ना। चलिए इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ कि इनको कैसे करना है। इस पे मैं कई बंदे डैश डाल के कर सकते हैं, तो इतनी जितनी भी एरर वैल्यूज है ना एक साथ इनको एक साथ डील किया जाए। अभी तो ये डेट फॉर्मेट में ले रहा है तो इसमें तो कोई नहीं, अभी इसको छोड़ देते हैं, इनको लेते हैं कि जो डेट फॉर्मेट में नहीं लिए इसके। तो जब भी आप ऐसे में फिल्टर लगाएंगे ना, बाकी सही सब तो ईयर के फॉर्मेट में ठीक ठाक दिखाएगा, सबसे लास्ट में ये गड़बड़ वाली दिखा रहा होगा, है ना। तो यहाँ से डिसलेक्ट करके उनको सिलेक्ट कर लीजिए जो कि गड़बड़ वाली है, इकट्ठी हो गई, इनको सिलेक्ट कर लीजिए। और हाँ, अगर इनको स्पेशल में जाके विजिबल सेल्स ओनली करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। देन चलिए जाइए टेक्स्ट टू कॉलम, तो इनमें चले जाते हैं और इसमें ले लेते हैं डीएम बाई कि किस फॉर्मेट में, ठीक है जी। यहाँ पे मतलब डेट मंथ ईयर फिनिश, क्या हुआ ये हो गई सही, पर देखते हैं कि हमारे और डेटा पे तो फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब ठीक है। अगर आपको डाउट हो कि ये गड़बड़ कर सकता है तो बेटर है इससे मतलब अलग से कॉपी पेस्ट करके देन उसको करें, ठीक है जी। तो आप देखेंगे डेट तो हमारी सारी सही हो रखनी, ठीक है जी। पर इसको डायरेक्टली डेटा पे अप्लाई मत कीजिएगा, कॉपी पेस्ट करके देन अप्लाई करके फिर चेक करके उसको वापस डालें, नहीं तो गड़बड़ हो गई तो फिर आपका डेटा बर्बाद हो सकता है। तो डेट के फॉर्मेट तो ये सुधार देगा, कई बार क्या होता है कि डेट मंथ गड़बड़ चली जाती है, डेट मतलब मंथ डेट डे में हो गया 20-3-4, आपने सही फॉर्मेट सही करा। मैं क्या करते हैं इंडियन वाले ऐसे कर देंगे 6-4-14, मैं 6 अप्रैल डाल रहा हूँ, बन गया कितना ये जून बन गया, फिर 5-7-14 मैं क्या डाल रहा हूँ 5 जुलाई, पर ये पड़ रहा है 7 मई। तो इस तरह का जब भी डेटा हो तब भी टेक्स्ट कॉलम यूज करते हैं, इनको करके नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे और वही DMY का सिलेक्ट कर लेंगे। जो इसमें काफी सारे फॉर्मेट है, MDY, DMY, जो भी आप चाहते हैं उस हिसाब का कर दीजिए, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसको ये बदल देगा, अब ये हो गई डेट सही, ठीक है जी। रिमूव डुप्लीकेट्स बता दिया मैंने कि आपको इस उसमें डेटा वैलिडेशन आपको क्लियर है। डेटा वैलिडेशन में दो चार चीजें और बता देता हूँ कि जो अपना फॉर्मूला था हम कस्टम में लगाते हैं हमेशा, लिस्ट के लिए लिस्ट यूज करते हैं। इनपुट मैथड इनपुट मैसेज जो होता है जब आपकी सेल सिलेक्टेड हो ना तो कौन सा इनपुट मैथड दिखाना चाहिए, जैसे कि मैं इसमें लिस्ट कर देता हूँ और इसमें कर देता हूँ यस नो नो, हालांकि कोई बड़ा इशू नहीं है, तो यस नो करके दिखा रहा है। तो जब आपकी सेल सिलेक्टेड हो आप चाहते हैं कि मैसेज डिस्प्ले करें तो इनपुट मैसेज में वो चीज डाल सकते हैं। तो इसमें टाइटल लिख देते हैं अली एंटर फ्रॉम ड्रॉप डाउन, इनपुट में डाल देते हैं कि प्लीज एंटर द वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट विच इज अपियरिंग इन सेल, ओके कर दिया। तो जब आप सेल सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक गाइडेंस टाइप की आ जाएगी। देन और क्या है, एरर अलर्ट भी कई टाइप के होते हैं कि जब आप गलत वैल्यू डालेंगे तो एरर अलर्ट दिखाएगा। स्टॉप में टाइटल
भी आप डाल सकते हैं, एरर मैसेज जो भी डाल सकते हैं वैसा ही। स्टॉप में क्या है कि आपको एंटर नहीं करने देगा, ठीक है जी, आप कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। दूसरा है इनका वार्निंग। वार्निंग में क्या है कि आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि अ यूजर द वैल्यू हैज एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल। तो कंटिन्यू करना चाहते हैं, नो करेंगे तो ये मिट जाएगा, यस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी वैल्यू, यानी कि आपको वैल्यू लग गई इसमें अब, ठीक है जी, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें जो साइन है वो इन्फॉर्मेशन का है, मतलब उसमें तो नो पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा था, नो करेंगे तो एंटर नहीं करने देगा, यस करेंगे एंटर करने देगा, पर इन्फॉर्मेशन मतलब है कि वो आपको बताएगा बस कि आपने गलत वैल्यू डाल दी है, कोई बात नहीं, ओके करेंगे ले लेगा, कैंसिल करेंगे रिटर्न आ जाएगा। मतलब इन्फॉर्मेशन की प्रायोरिटी सबसे लेस है, या आपको रोकता नहीं करने से, बस मैसेज दिखाता है कि भैया एंटर एट योर ओन रिस्क। वार्निंग आपको वार्निंग ही देगा कि नहीं ये चीज थी, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो बाय डिफॉल्ट ये नो पे ही सिलेक्टेड आएगा, यस करेंगे तभी ये एंटर करने देगा। ओके, स्टॉप में तो बिल्कुल मना ही है कि आप डाल ही नहीं सकते, ठीक है जी। देन कंसोलिडेशन ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट का यूज आप कहीं नहीं कर सकते इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर कहीं नहीं कर सकते इसका यूज, बस बहुत छोटा मोटा काम हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन, तो जैसे ये दो इनकी कैलकुलेशन हो तो ही कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे डाल दिया और इसको यहाँ पे मैंने एक और शीट बना दी, यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी, डेटा भी इसके लिए सेम ही होना चाहिए, वैसे सबसे थर्ड क्लास फीचर है, इसको ना ही यूज करें तो बेटर है, ठीक है जी, क्योंकि ये इसका काम कॉपी पेस्ट से ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है जी। दो अलग अलग तरह की वैल्यू हो गई, अब मुझे यहाँ कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट पे ये मुझे खुल जाएगा, यूज फंक्शन सम। अब रेफरेंस मुझे ऐड करने पड़ेंगे, कौन कौन सा, एक मैंने उठा लिया, मैंने कहा ये रहा, ठीक है जी, हेडिंग भी सेम होनी चाहिए, ऐड कर दिया। दूसरा मैं करूंगा यहां से, इसको भी ऐड कर लिया, शीट थ्री और शीट फोर। अब क्या है कि यूज लेबल्स इन टॉप रो, कहाँ है हेडिंग वो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है जी। क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, मतलब एक तो उसमें अगर कोई चेंजेस होता है तो यहां भी हो जाएगा एक समरी टाइप में, अदरवाइज लिंक नहीं क्रिएट करना चाहते तो ओके कर दीजिए, आपको सम करके दिखा देगा, ठीक है जी। कर उन्हीं का ही सम रहा है, पर मैंने जैसा कि बताया कि कई बार चलता है कई बार नहीं चलता, इसकी अपनी मर्जी है, बहुत हल्का काम करता है, ठीक है जी। मान लीजिए यहां से कुछ मैं उड़ा ही देता हूं, इतना उड़ा दिया मैंने, ये दोबारा से चला के देखता हूँ, हेडिंग भी सेम होनी चाहिए, डेटा भी आपका डेटा की हेडिंग भी, थोड़ी सी दिक्कत होगी तो नहीं चलेगा ये। इसमें मुझे शीट, इसकी शीट फोर का जो रेफरेंस था उसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसको मैं इतना कर दूं, B1 से B3 ऐड, और ये वाले को डिलीट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसमें सिटी नहीं आ रही है, पर मोस्टली आप करेंगे तो आ जाएगी। एक्चुअली कंसोलिडेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिटी रिपीटेड हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ट्राई करते हैं एक बार, डेटा भी यूनिक होना चाहिए,
क्या कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन, तो इसमें कर लेता हूँ वापस थ्री में, फोर का था ये तो ठीक है, ये वाला देखते हैं। इसमें कर दिया, ऐड कर दिया, और थ्री वाला यहाँ से मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है जी, अब करते हैं ओके। हाँ अभी भी नहीं दिखा रहा है, बस इसका यूज भी नहीं है वैसे खास, हल्का इसमें दोनों में डेटा अगर सेम हो तभी जाके कंसोलिडेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इसको छोड़ दीजिए आप, ये बेकार है। व्हाट इफ एनालिसिस मैंने बता दिया, ग्रुप अनग्रुप, ग्रुप अनग्रुप, सिंपल ग्रुपिंग अनग्रुपिंग के फीचर्स। अब जैसे ये डाटा है मेरा, अब मैं कहीं से ग्रुप करना चाहता हूँ कि मैंने कहा भैया यहाँ से इधर से इधर तक का ग्रुप कर दे, ग्रुप कर दिया रो, तो ये मुझे प्लस माइनस का दिखा देगा। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से ऐसे प्लस माइनस के क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अनग्रुप भी उसी के लिए, अनग्रुप करने के लिए। देन आपका सब टोटल है जो कई बार आपके काम आता है, सब टोटल का ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे मुझे क्या करना है कि पहले तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है, आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए जिसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं। तो सपोज मैं सिटी वाइज रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो मुझे सिटी सबसे पहले सॉर्ट मारनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज अनयूजुअल रिजल्ट देगा। तो सिटी मैंने सॉर्ट कर ली, देन मैं चला गया सब टोटल पे। अब मैं चाहता हूँ कि एट एवरी चेंज इन सिटी यूज फंक्शन सम, और टोटल किस किस का करो आप, यहाँ पे मुझे उतने चेक करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इनका हो जाए ओके। तो सब टोटल में आप यहाँ पे वो देख रहे हैं, यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल ये दिखा रहा है टू और थ्री। बट इसमें अलग अलग हुआ है, मैंने तो सॉर्ट किया था। अच्छा, ऊपर ऊपर वाला डेटा मैंने शायद सॉर्ट नहीं किया है, बाकी नीचे वाला देखेंगे वो अपनी जगह पे सही आएगा। ठीक है जी, बाकी इन सब का सब टोटल हो रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक हो रखा है, बाकी वैल्यू जो थी वो सॉर्टेड नहीं थी। सब टोटल हटानी है, रिमूव ऑल कर दीजिए, यहाँ वाली वैल्यू सॉर्ट नहीं हो पाई एक्चुअली, क्योंकि वो सिलेक्टेड हो गई होगी ना। वही चीज दोबारा लगाते हैं, अभी आपकी सही आएगी। अगर देखेंगे समरी इनकी तो आपको नॉर्मली नहीं चार सिटीज की दिखाएगा। ठीक है जी, सब टोटल के अंदर सब टोटल का फॉर्मूला अपने आप लग जाता है। सब टोटल का फॉर्मूला मैंने बताया था कि आप कोई भी कोड देखे जो विजिबल वैल्यू है उनका टोटल दिखाता है आपको। ठीक है जी, तो ये कंसोलिडेशन आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, समरी टाइप की बनानी है इसकी, हालांकि ये काम मैं पाइवट टेबल से ज्यादा कराना पसंद करता हूँ। ठीक है जी, मैं अपना टोटल शोटल करके इस तरह की, जैसे आपने टोटलिंग कर ली, फिर इसको कॉपी करके पेस्ट करके किसी भी तरह से फॉर्मेट अपना चेंज कर दीजिए। ठीक है जी, मान लीजिए मुझे ये फॉर्मेट नहीं पसंद है, तो कहाँ से आता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, फुल फॉर्मेट ले गया, अगली शीट पे यहाँ पेस्ट मार दिया। अब मुझे एक करना पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला गायब हो जाए, वैल्यू है तो ये, अब ये मेरे पास वैल्यूज है, तो इनको मैं क्या करूँगा, अपना कॉमन सेंस यूज करके फॉर्मेट करूँगा। जैसे कि पहले तो मुझे किसी पे नहीं लगानी फॉर्मेट, सबके फॉर्मेट उड़ा दिए पहले मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसमें फिल्टर लगाऊंगा, टोटल वाले मैं चाह रहा हूँ कि हाईलाइट हो जाए, तो टेक्स्ट फिल्टर्स एंड विद टोटल यहाँ से कर दिया मैंने, इनको सिलेक्ट कर लिया, विजिबल सेल्स वाला सिलेक्ट कर लिया, विजिबल सेल्स में पहले तो इनके क्लियर फॉर्मेट दोबारा से लगाता हूँ। अच्छा,
नीचे वाले लिए नहीं ना, वही फंडा। फिल्टर लगाया यहाँ से एंड स्विच, टोटल टोटल आ गए मेरे पास सारे, सारा सिलेक्शन करके विजिबल सेल्स ओनली। देन इसका चाहे कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है जी, ये कर दिया। इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी मेरे पास सारा डाटा सिलेक्टेड है, ये आपकी रिपोर्ट बनी हुई आ गई इसमें, ठीक है जी। बीच में घुस घुस के टोटल नहीं लगाना पड़ेगा, एक एक बार में काम हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। बाकी आगे चलते हैं, अपना सब टोटल देख लिया, रिव्यू में स्पेलिंग चेक है, ये सब कमेंट डालनी है आपको, तो न्यू कमेंट यहाँ से एंटर कर सकते हैं, और आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट एफ टू, शिफ्ट एफ टू कमेंट एंटर के लिए। डिलीट कमेंट है यहाँ पे, आपको डिलीट नहीं पसंद नहीं आ रही, डिलीट कर दीजिए, ठीक है जी। बारी बारी कमेंट लगी हुई है तो उन पे स्विच कर सकते हैं प्रीवियस में। शो शो ऑल कमेंट करेंगे तो जितनी भी कमेंट आपकी पड़ी होंगी फाइल में, ये आपको शो कर देगा जहां पे भी होगी, ठीक है जी। प्रोटेक्शन है, बाकी आपका प्रोटेक्शन मैंने बता ही रखा है। ट्रैक चेंजेस होता है कि जैसे आपने किसी को फाइल दी, आपको ये जानना चाहते हैं कि ये क्या क्या चेंजेस करता है, तो ट्रैक चेंजेस करके लगा सकते हैं, ठीक है जी। ट्रैक चेंजेस मतलब कि हल्का सा भी कोई वो होगा इसमें चेंज, तो ये आपको दिखा देगा कि जी ये चेंज हो रहा है। तो जैसे मैंने इसमें क्या किया, 80 को 90 में कन्वर्ट, 92 में कन्वर्ट कर दिया, तो एक लाइन आ गई यहाँ कि किस यूजर ने किस वैल्यू से क्या चेंज किया, ठीक है जी। तो ये ट्रैक चेंजेस आ गई, वापस आ गई बॉस के पास। अब उसमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, मतलब ठीक काम किया नहीं किया। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट आ गया, एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस सिंस डेट, ओके। कोई स्पेशल यूजर किसने किया, एक्सेप्ट ऑल, तो उसके आपको फिल्टर करके देगा कि ये इतने काम किया इसने, ये किया, और एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल तो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये हाईलाइट ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, जब मेरा काम फिनिश हो गया तो मैंने हटा दिया, ठीक है जी। काम होने के बाद तो ये ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक रख सकते हैं एक तरह से। बाकी व्यू आपके नॉर्मल व्यू हो जाते हैं, जो आपके पेज लेआउट व्यू होता है, जिसमें आप पेज लेआउट चेक कर सकते हैं। हालांकि ये हम लोग काम नहीं करते इस पे, पेज ब्रेक प्रीव्यू यूज करते हैं मोस्टली, जिसमें आपकी सेटिंग होती है, हम पता लगा लेते हैं कि एक पेज पे कितना आ रहा है। अगर यहाँ ठीक नहीं है, हमने कहा कि आधा यहाँ तक लाना है, तो यहाँ से सेट कर लिया, ये पेज टू को सेट कर लिया, नहीं पेज टू यहाँ तक आना चाहिए, अपने आप पेज सेटिंग कर देगा ये उसकी, ठीक है जी। ग्रिड लाइंस शो करनी है, वो करनी है, ग्रिड लाइंस दिखानी है नहीं दिखानी, फॉर्मूला बार दिखानी है नहीं दिखानी, हेडिंग्स दिखानी है नहीं दिखानी, यहाँ से जूम है, विंडो अरेंजमेंट, न्यू विंडो, विंडो में मेरे ख्याल से न्यू विंडो क्या हो जाएगी, हाँ एक्सेल की ये दूसरी विंडो खुल जाएगी, उसी की दो खुल जाएंगे उसके। अरेंज ऑल, जितनी विंडो होंगी वो आपकी अरेंज कर देगा, ठीक है जी। देन स्प्लिट हाइड एंड हाइड, स्प्लिट करते हैं जैसे बीच में, यहाँ देखने के लिए एक ही शीट में ऊपर नीचे का एक साथ देखना, हाइड करनी है, अनहाइड करनी है शीट,
ठीक है जी, तो अनहाइड कर सकते हैं, ये वाली शीट थी मेरी, मैंने अनहाइड कर दी। व्यू साइड बाय साइड, ये दो एक साथ सिंक्रोनाइज व्यू, ये भी मैंने बताया था शायद। वर्क स्पेस का मैंने बता ही दिया था कि चार पांच फाइलें एक साथ काम कर रहे हैं आप, तो उनको एक साथ एक नाम से सेव कर सकते हैं, तो वो जब भी क्लिक करेंगे उस पर वो एक साथ उतनी फाइलें खोल दें। देन इसके बाद आपकी होती है डेवलपर बार, जो कि आपकी वीबीए में काम आने वाली है। विजुअल बेसिक एडिटर पे चले जाएंगे, मैक्रो कितने बने हुए हैं वो दिखा देगा, रिलेटिव रेफरेंस और इसका ये आपको वीबीए में जानकारी देंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो के टाइम में, ठीक है जी। जो आप कंट्रोल से एंटर करते हैं, फॉर्म कंट्रोल आपको पता है किस लिए होते हैं, एक्टिव एक्स वीबीए के लिए होते हैं, बाकी ये एक्सएमएल के लिए, जो कि यहाँ से वर्क नहीं करना चाहिए, प्रोग्रामिंग का पार्ट है, एक्सएमएल का हम वीबीए के थ्रू ही करवाते हैं, ठीक है जी। वीबीए की शीट की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ बाय डिफॉल्ट, ये सब वीबीए में आपका काम है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सेल, इसके अलावा कुछ और जानना हो तो बताइए। ठीक है जी, एडवांस राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो एक्सेल कंप्लीट, अब आपका वीबीए स्टार्ट होगा। मेरी बात की थी मशीन सर से, तो वो कह रहे हैं कि अभी बैच चल रहा है 8 बजे वाला, तो टाइम पे अच्छा अभी थोड़ा सूट नहीं होता। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, 10-15 मिनट, 10-15 दिन के बाद शायद दूसरा जो बैच होता है। अच्छा अच्छा ये टाइम का ही पंगा है। चलिए फिर देखते हैं, पर बाकी अभी हम लोग तो स्टार्ट करेंगे ही ऐसे ही, अभी जब तक कोई नहीं होता, क्योंकि अब वो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या तो का। आप बताइए फिर जब तो कल से स्टार्ट स्टार्ट करते हैं अपना, होगा कल से भी है, मतलब यही फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि वो भी सतवीर जी भी आ गए करेंगे ही इसको ही, तो। तो कल से हम लोग भी बीए पे बैठेंगे।